जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पढ़ा वो एकदम सही पढ़ा है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कॉल सेंटर में जो जॉब्स करते हैं उनका असली सच क्या होता है या उनकी रियलिटी क्या होती है, और वहाँ पे कैसा जॉब होता है और कितना वर्क प्रेशर होता है। तो ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से किसी को डीमोटिवेट करने का मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, बस लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इसका जो पहला फैक्ट है, 10 से 15 मिनट में ब्रेक लेके और उसके बाद चाय पीने के बाद या आपको कुछ भी करना है उस ब्रेक टाइम में, और एक सटीक टाइम पे वापस आना, यानी कि आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे वहाँ पे एक टाइम चलता है, उस टाइम के अंदर आपको वापस आना ही आना है। और दोस्तों, यहाँ पे जॉब करने वालों का वहाँ पे लेट आने पे पैसे भी कटते हैं, यानी कि अगर आपको इंसेंटिव मिलता है तो इंसेंटिव वहाँ पे कटता भी है। एंड दोस्तों, एक एक मिनट का वहाँ पे सिस्टम पे टाइम चलता रहता है, और जिसमें आपका एक एक सेकेंड भी काउंट किया जाता है। अगर आप कहीं बाहर गए हो, इधर गए हो, उधर गए हो, तो वो सारा टाइम उसमें काउंट किया जाता है। एंड दोस्तों, लगातार कानों में हेडफोन लगे हुए तो कानों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। आपको अगर 8 घंटे की जॉब है तो जितना आप जॉब प्रोफाइल पे हो तो उतनी देर आपको हेडफोन लगा के रखना ही पड़ेगा। एंड दोस्तों, एक कॉल कटेगी दूसरी कॉल आएगी, एक कॉल कटेगी दूसरी कॉल आएगी, लेकिन एक टाइम पे वो फिर आदत सी बन जाती है, थोड़ी सी काम करते करते तो एक वो आदत सी वहाँ पे बन जाती है। एंड दोस्तों, वहाँ पे आपके जो TL होंगे, जो टीम लीडर होंगे, उनका बात बात पे चिल्लाते रहना, कॉल जल्दी ख़त्म करो, ये हो गया, वो हो गया, वेटिंग क्यों जा रहा है, ये सब चीज़ों के लिए वो जो TL होता है, टीम लीडर, वो चिल्लाता रहता है। एंड दोस्तों, जब कॉल पे होते हैं, कॉल ख़त्म होने के बाद वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे टाइप भी करनी है आपको। कई जगह होता कि टाइप नहीं करना पड़ता, लेकिन कई सेंटर्स में ऐसा होता कि आपको टाइप भी करना पड़ता कि कस्टमर ने क्या पूछा, आपने क्या बताया, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे टाइप भी करनी पड़ सकती हैं। एंड दोस्तों, कई बार होता है कि चलो जो ग्रेजुएट पर्सन है वो तो ठीक है, अच्छे से डील कर लेते हैं, कई बार अनग्रेजुएट पर्सन भी फंस जाते हैं, तो वहाँ पे वो गाली वाली भी देने लगते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। बट बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि यार, वो उनका जॉब है और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैलेंस भी कटा है 10 रुपये 20 रुपये, तो वो उनके अकाउंट में नहीं जा रहा ना, उन्होंने काटा है, वो कंपनी ने काटा है, तो उनको पागल बन के हम लोग उनको गालियाँ देते हैं या उनको कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ये गलत तरीका है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम है आप उनसे अच्छे से कराओ, प्यार से कराओ। अगर वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उनसे आप बोलो कि मेरी कॉल वो ट्रांसफ़र करो अपने सीनियर को, इस तरीके से कुछ बात करो। ये नहीं कि छूटते ही कॉल शुरू हुआ और आप गाली गलौज वहाँ पर करने लगे, तो ये गलत तरीका है। इन द लास्ट यार, वो भी जॉब ही कर रहे हैं, हम लोगों की वहाँ हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, तो हमेशा अच्छे से बिहेव करो, ना कि कॉल सेंटर पे ही कहीं या बाहर आउटसाइड कहीं भी जा रहे हो। अगर वो गरीब बंदा भी है या कोई भी है, हमेशा अच्छे से बिहेव करो यार, ऐसा लगे कि हाँ यार, क्या बंदा मिला था। एंड दोस्तों, बेसिकली तो पता ही है कि लड़के तो सिगरेट पीते हैं, लेकिन जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं वहाँ पे मैक्सिमम लोग सिगरेट पीते हैं, यानी कि जो बाहर आउटसाइड होता है एरिया या सिगरेट पीने वगैरह के लिए वहाँ पे बने होते हैं आउट स्टेशन, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी सिगरेट पीते हैं और लड़के भी पीते हैं। यानी कि अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग सर्वे में देखा गया है कि कॉल सेंटर में जॉब करने वाले लोग कुछ ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो। तो ये एक सबसे ड्रॉबैक होता है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट फूकने लगते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जॉब होता है, बट ये है कि अगर स्टार्टिंग नहीं मिल रही, स्टार्टअप नहीं हो पा रहा, तो आप कुछ दिनों के लिए जा सकते हो, लेकिन इन आदतों से बचे रहें जो ख़राब हैं, बाकी आप स्टार्टअप कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँचता रहे और मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स या क्वेरी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पे ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।